फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथ में एक टॉपिक है विदाउट डिवीजन, मतलब बिना भाग दिए किसी भी नंबर को कैसे उसे पॉइंट में लिखेंगे यानी दशमलव में लिखेंगे। इस वीडियो में हम लोग अच्छे तरह से समझेंगे। जैसे कि सपोज डेट मान लीजिए कि आप कोई भी अगर पॉइंट में लिखते हैं तो डिवाइड करके लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे ये ट्रिक हम बताएंगे और ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे कि बिना भाग दिए, मतलब कि डिवाइड नहीं करेंगे आप तभी पॉइंट में लिख देंगे, वो कैसे। तो आइए एकदम डिटेल से हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन हम देते हैं, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है 13/125। ध्यान दीजिएगा, हम कहा है कि इसे आप पॉइंट में लिखिए, मतलब पॉइंट का मतलब होता है कि दशमलव में लिखे, भाग दे के लिखे। तो आप क्या करेंगे, ऐसे करेंगे 13 और डिवाइडेड बाई इतना, और 9 बार सोचेंगे कि कितने से ले जाए, कितना पॉइंट रखे, ये सब करेंगे। लेकिन हम बताएंगे कि आप डायरेक्ट इसको अपने दिमाग से इसे पॉइंट में बदल सकते हैं, वो भी कैसे। तो आइए एकदम फुल प्रोसेस के साथ इसे समझते हैं। सबसे पहले करते क्या है, इसको समझते हैं कि क्या है और कैसे लिखा जाएगा। तो इसे हम बताए हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है, यानी प्रमेय संख्या, जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके उसे ही प्रमेय संख्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। यानी ये ऊपर वाला p है और नीचे वाला q है। अब करना क्या है कि ऊपर वाले जो भी है वही रहने देना है, न्यूमरेटर जो है वही रहने देना है, डिनोमिनेटर इसे बोलते हैं अंश और इसे बोलते हैं हाफ, इसे क्या करना है वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसे बदलने के लिए इसका फैक्टर किया जाएगा, किसका, तो ये नीचे वाले का, ऊपर वाले में कुछ नहीं किया जाएगा अभी। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल ये नीचे जो भी है 125 इसका फैक्टराइजेशन किया जाएगा। अब बताएंगे सर कि फैक्टराइजेशन क्या है, गुणनखंड उसको हिंदी में बोलते हैं, आइए देखते हैं कैसे करते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम करें 125 का फैक्टर, तो ये हो जाएगा 5 से, 2 से नहीं जाएगा, तो 5 × 2 = 10 और 5 × 5 = 25, ये जिसको आना चाहिए। अब ये नहीं आता है तो समझो कि ये समझ में नहीं आएगा, ये फैक्टर आना चाहिए, गुणनखंड आना चाहिए। अब देखिए 5 से ले जाएंगे 5 × 5 = 25, ये हमने जब इसका फैक्टर किया वो यहाँ पे लिखेंगे 13/5 × 5 × 5, ध्यान दीजिएगा। मतलब ये हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, और जब आप सीख जाएंगे तो ये स्टेप बाय स्टेप बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप पेंसिल लिख सकते हैं। वो तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जब बता रहे हैं समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा कि जब इसका फैक्टर कर दिए तो 1, 2, 3, 4, 5 आया, तो यहाँ पे 5 × 5 × 5 लिख दिए। अब ध्यान दीजिए इसको हम लिख सकते हैं 13/5 कितना है 1, 2, 3, 5 3 है, तो हम लिख सकते हैं 5³, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर यहाँ पे 2³ हो इसका मतलब होता है कि 2 × 2 × 2, न कि इसका मतलब होता है 6, ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 2³ हो तो 2 × 3 लिख दीजिए, ये बताइए। तो 5 × 1, 2, 3, 5 3 है तो 5³ हो जाएगा कि नहीं। अब रूल क्या होता है, इसका रूल समझना बहुत जरूरी है। इसे बनाने के लिए यहाँ पे 2-3 रूले होते हैं, क्या रूल होते हैं, रूल नंबर 1, 2, 3, 4, ये 4 रूल इसमें वर्क करेगा तब जाके आप होगा। और आप कहिएगा सर कैसे, मतलब एकदम फास्ट कैसे बना देंगे, तो जब ये समझ जाएंगे और ये प्रोसेस दिमाग में जब चलेगा आपके तो तुरंत इसे पॉइंट में बदल सकते हैं। लेकिन हम जब बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप तो आपको ये समझने में बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। और अगर स्टेप समझे तो स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1, अगर इसका फैक्टर हम कर रहे हैं, समझिएगा ठीक से, ये स्टेप अगर आप समझ गए तो स्टेप जो है यही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, लेकिन बट ये जो प्रोसेस है, ये जो रूल बता रहा है, ये चेंज होने वाला नहीं है। अगर ये समझ गए रूल तो समझिए कि ये सब समझ गए। कोई भी क्वेश्चन अगर इस पे हो, आप अगर 6 क्लास में हो, चाहे 7 में हो, चाहे 9 में हो, चाहे 10 में हो, किसी भी क्लास में हो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप इस मेथड से बना सकते।
आइए देखते हैं सबसे पहले करेंगे क्या। जैसे कि सबसे पहला रूल होता है कि अगर इसका हम फैक्टर किए तो 5 और 2 आना चाहिए। मतलब समझिए, रूल समझिए। रूल फर्स्ट कहता है अगर इसे पॉइंट में चेंज करना है आपको तो इसका जब फैक्टर करेंगे तो 5 या 2 आना चाहिए। यानी इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं 5 आया है, 2 नहीं आया, तो अभी ये पॉइंट में बदला जा सकता है। फिर से समझिए, फिर से रूल नंबर फर्स्ट समझा रहे हैं हम। रूल नंबर फर्स्ट है कि यदि इसका हम फैक्टर करें, गुणनखंड करें इस तरह, और इसमें 2 और 5 आ जाए, जैसे 5 आया है 2 नहीं आया, तो अगर 2 आ जाए या चाहे 5 आ जाए तो इसे पॉइंट में बदला जाएगा। दूसरा रूल कहता है कि केवल 5 आ जाए तो अभी बदला जाएगा। थर्ड रूल कहता है कि केवल 2 आ जाए तो अभी बदला जाएगा, माने बदला जा सकता है। लेकिन आप कहिएगा सर ये बताइए केवल 5 के मतलब क्या हुआ, केवल 2 का मतलब क्या हुआ। तो जैसे हम समझा रहे हैं, देखिए सपोज एक मान लीजिए 125 के जगह पर 8 होता, समझिए ठीक से 125 के जगह पर 8 होता, तो 8 का फैक्टर करेंगे तो ध्यान दीजिएगा 2 से 4 2, तो ध्यान दीजिएगा तो इसका होगा 2 into 2 into 2, तो इसमें 5 है नहीं है, सिर्फ 2 है, तो इसका मतलब हुआ केवल 2 आएगा, तो अब वो आप पॉइंट में बदल सकते हैं। इसका मतलब हुआ केवल 5 आएगा, तो 5 देखिए इसे 5 आया, तो अब वो पॉइंट में बदल सकते हैं। और ये कहता है कि और 5 और 2 के अलावा अगर कोई भी नंबर आ जाए, ध्यान समझिएगा, 5 2 के साथ अगर या केवल 5 या केवल 2 के साथ कोई अदर नंबर आ जाए, अदर नंबर के मतलब जैसा कि सपोज एक मान लीजिए इसका फैक्टर हम कर रहे हैं, अगर इसमें 3 भी आ जाए तो ये पॉइंट में नहीं बदला जाए, समझिए ठीक से। अगर ये 5 और 2 के अलावा अगर कोई और डिजिट आ जाए फैक्टर करने में, अगर मान लीजिए किसी नंबर का फैक्टर कर रहे हैं उसमें 5 आ गया 2 आ गया और कोई नंबर आ गया, तो उसको पॉइंट में नहीं बदल सकते। तो ये रूल हम फोर आपको इसलिए बताए आके क्या शर्त है, क्या रूल है कि पॉइंट में बदला जाएगा। तो आइए रूल ये कंप्लीट होने के बाद अब ट्रिक समझते हैं, क्या ट्रिक है कि इसे चेंज किया जाएगा। ट्रिक आइए बहुत ही आसान तरीकों से हम बताते हैं क्या ट्रिक है। देखिए 5 का पावर 3 है, ट्रिक समझिएगा। हम ट्रिक दोनों पर बताएंगे, 2 पर भी बताएंगे और 5 पर भी बताएंगे। तो 5 पर बता रहे हैं, 2 पर इसके बाद बताएंगे, तो ध्यान दीजिएगा 5 का पावर 3 है और इसमें 2 नहीं है, तो 2 मुझे लाना है, और 2 के पावर भी 3 इसके बराबर लिखना है। आप कहिएगा सर ये तो आप अपने से क्यों लिख दिए, तो ध्यान दीजिए 5 का पावर 3 पहले से था और 2 का पावर 3 हम अपने से लिखे, क्यों, क्योंकि मुझे 2 और 5 दोनों चाहिए, 2 और 5 दोनों चाहिए, तो 5 का पावर 3 पहले से का और 2 का पावर 3 हम अपने से लिखे हैं, मैंने अभी लिखे हैं। आप कहिएगा सर क्यों लिखे हैं, हम इसलिए लिखे हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब ध्यान दीजिए जब ये लिखे हैं तो ये ज़्यादा होंगे, अब इसे ऊपर भी अगर लिख देंगे 2 का पावर 3, तो ध्यान दीजिएगा ये दोनों आप अगर काट दीजिए तो फिर आपका क्वेश्चन हो गया। रूल कहता है, नियम कहता है कि अगर नीचे जो नंबर लिखे अगर ऊपर भी लिख देंगे तो वो गलत नहीं होता है, बराबर हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये 2 के पावर 3 लिखे क्यों, क्योंकि 5 का पावर अगर 3 है तो 2 का पावर 3 लिख देंगे। अब देखिए अगर पहले से 2 का पावर 3 होता, अगर पहले से, तो हम 5 के पावर 3 लिखते तो ऊपर भी 5 के पावर 3 लिखते। अब देखिए अगले स्टेप बताते हैं, अगर आपको इस क्वेश्चन में समझ में अगर नहीं आएगा तो जब इसके अगला क्वेश्चन बताएंगे तो एकदम कंफर्म समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको अगले सॉल्व करते हैं अगले स्टेप में। तो अगले स्टेप में जब सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा करेंगे क्या, 2 का पावर 3 का मतलब हुआ 2 into 2 into 2, ध्यान दीजिएगा 2 का पावर 3 का मतलब हुआ 2 into 2 into 2, यानी 2 2 जा 4 4 2 जा 8, यानी 8 हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा 13 into 8 और डिवाइडेड बाई, अब ध्यान दीजिएगा 5 के पावर 3 और 2 के पावर 3, इसका मतलब क्या हुआ, इसको अभी फार्मूला पर बैठाएंगे। फार्मूला क्या है ध्यान दीजिएगा, फार्मूला है यहाँ पर हम लिख दें e का पावर m, ये पहले से बता चुके हैं और फिर बता रहे हैं, e का पावर m into b का पावर m, ध्यान दीजिएगा a का पावर m
अब बी के पावर एम, इसका मतलब हुआ, पहले फॉर्मूला को समझिए, इसका मतलब हुआ कि पावर सेम है दोनों का, पावर सेम है, आ जो बेस है नीचे वाला ये दोनों के बराबर नहीं है। तो ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में ये नीचे वाला दोनों बराबर नहीं है, आप पावर दोनों का क्या है सेम है, तो इसका फॉर्मूला होता है कि इस दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये भी हो जाएगा, आप पावर को उसी तरह लिख दीजिए। मतलब नियम कहता है फॉर्मूला कि इस बेस में दोनों से गुणा कीजिए तो ये भी हो जाएगा, आप पावर कैसे लिखते। तो चलिए इस दोनों में गुणा करेंगे तो पाँच दूना दस हो जाएगा, तो ये दस, आप पावर को वैसे ही लिख दीजिए तो पावर को लिख दीजिए। अब देखिए करेंगे क्या, आप यहाँ पे 13 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 8 और 2 हो जाएगा 10। देखिए तो इतना होगा, इतना हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब ध्यान से देखिए अब करेंगे क्या, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 10 में 10 से फिर 10 में 10 से फिर 10 में 10, यानी 10 को 3 बार, जैसे देखिए यहाँ पे 10 का पावर 3 है तो लिखेंगे 10 इंटू 10, यानी 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1230 आ जाएगा। मतलब 10 में 10 से करेंगे तो 100, और फिर 100 में 10 से करेंगे तो 1000, तो ये 1000 हो गया। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद रूल कहता है कि ये जो जीरो है उसके बाद ये काउंट कर लीजिए, उसके बाद पॉइंट बैठा दीजिए, हो गया आंसर। जैसे देखिए 1 2 3, 3 को जीरो है तो ध्यान दीजिए 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट बैठा दीजिए, 1 0 4 आंसर, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब बताएंगे इसके अगले वीडियो में कि इस पे अगर 2 हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। ओके।